परसों एक स्कूल ने मेरे साथ रब्त किया था कि हम स्कूल ट्रिप लेकर जा रहे हैं। अगर आपको जाना है तो आप मोस्ट वेलकम है आपका। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सीन कुछ इस तरह है कि परसों एक स्कूल ने मेरे साथ रब्त किया था कि हम स्कूल ट्रिप लेकर जा रहे हैं। तो और अगर आपको जाना है तो आप मोस्ट वेलकम है आपका। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, चले जाएंगे। तो उन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिया है। अभी तो टाइम है क्योंकि अभी 7 बज गए, आधा घंटा है, आराम से पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं इसका मुझे मतलब इतना खास आइडिया नहीं है। ये आइडिया है कि वो क्वाट में ही मतलब घूमेंगे, लेकिन कौन कौन से स्पॉट्स देखेंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये वहाँ पहुँच कर उनसे फिर पूछेंगे कि हम का आज कौन कौन से जो स्पॉट्स है वो देखेंगे। तो चलो बस निकलते हैं, लेट्स गो। चलो जी हम बस पहुंच गए। अच्छा तो ये है फैसल भाई, इनका ये स्कूल का ऑनर है। इन्होंने मुझे कॉल किया था कि हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर आप आना चाहो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं यार, नीकी और पूछ। तो आज शकील भाई एक मतलब आज जो ट्रिप है इसमें हम कौन कौन सी जो साइट्स है वो विज़िट करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट वर्क पर जो है हमें टाइम दिया और आप पहुँचे यहाँ पे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है, आज हमने स्कूल का एक मुख्तसर सा ट्रिप रखा है लोकल लेवल पर बाहर के लिए। आज जो मकामात है जो हम देखने वाले हैं, विज़िट करने वाले हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो है दौरानी कब्रिस्तान है जो कि आसार कदीमा के दौर का है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके उसका ट्रिप करेंगे, देखेंगे, स्टूडेंट भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है फिर पोहाट का जो मशहूर डैम है, तांडा डैम जिसे कहते हैं, टूरिस्ट पॉइंट है जी, टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पे इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और स्टूडेंट इंशाल्लाह बोटिंग भी करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद जो है मीर हबीब जो हॉली श्राइन है वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो तकरीबन ये 4 पॉइंट्स है ये आज हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि आज इसको कवर करें शाम तक। तो ये एक बहुत ही लंबा दिन होने वाला है, तो स्टे ट्यून। पहले स्पॉट पर पहुंच गए जो कि तुरानी कब्रिस्तान है। ये मैंने ऑलरेडी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए कि मैं पहले आया था इस पर, मैंने एक डिटेल से व्लॉग बनाया था, इसलिए अब मैं दोबारा इस पर इतना डिटेल से व्लॉग नहीं बनाता। लेकिन आपको बस फिर ये जगह दोबारा खैर देख ली दिखाता हूँ क्योंकि इनके ट्रिप में ये जगह इंक्लूड थी, तो यहाँ पर हम पहले आए हैं। इसके बाद फिर हम जाएंगे तांडा डैम। तो चलो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये। Thank you.
चलो जी अभी जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ये जगह देख लिए। चलो सर जी। अच्छा तो हम अपने सेकंड पॉइंट पर पहुंच गए जो कि तांदा डैम है। इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल से व्लॉग बनाया है, लेकिन ये अभी जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि हम बोटिंग करते हैं। दिल तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 2 साल पहले हादसा हुआ था उसकी वजह उसके बाद काफ़ी डर लग रहा है। तो लेट सी, देखते हैं अगर किश्ती सही हो और मतलब कंडीशन सही हो और कम लोग बिठाते हो तो शायद मैं भी कर लूँ। तो लेट सी, अब देखते हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें, बोटिंग करते हैं या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। चलो जी हम बोट साइड पर पहुंच गए हैं, अब देखते हैं कि बोटिंग करते हैं यार, शायद मैं कर लूँ इस बार। तो लेट्स सी, यहाँ पर जेट्स की भी है बोट्स भी है, तो देखते हैं इन दोनों में से एक तो करते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन स्कूल टाइम में एक बार किश्ती में बैठा था, उसके बाद मैं यहाँ पर तांदा डैम में कभी मैं किश्ती कर नहीं बैठा। क्या है चेरी? हाँ तो चलो जाते हैं। चलो जी टाइम आ गया फाइनली। तो चलो वो एक ट्रिप गया हुआ है, जब वो आ जाए उसके बाद हमारी बारी है, और सिर्फ ये देख ले। चलो बस यहाँ पर घूम लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट होली शिराइन। चलो निकलते हैं।